स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न पे। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक लेदर बॉल को रेड या व्हाइट लेदर बॉल को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और हम हमारी लेदर की बॉल जब भी घास में थोड़ी ऑफ होती है, ड्यू होती है, तो फिर वह गीली हो जाती है और फूल जाती है और जल्दी खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको टिप दूंगा कि कैसे आप आसानी से बॉल को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। टेस्ट करने के लिए थोड़ा पानी। सबसे पहले हम जो है एक मोमबत्ती लेंगे। दोस्तों आप टूटी हुई मोमबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे हम अपने इमाम दस्ते में ऐसे घिस लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह। और घिस के जब बचेगी तो हम उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। मैंने पहले से कर रखे हैं और फिर उन्हें और छोटा कर सकते हैं। जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर अब हमें इन्हें खींचना होगा। दोस्तों मैंने पहले से ही कुछ कैंडल घिस ली थी और पीस के रखी थी। चिपक गई होंगी। देखिए इस तरह। अब हम इसे इसके अंदर से खुरच लेंगे। जब हम इसे खुरच लेंगे तो फिर ये कुछ इस तरह दिखेगी। देखिए दोस्तों पीस चुकी है पर ये चिपक रही है, तो फिर हम इन्हें अलग कर लेंगे ताकि चूरा बन जाए। अब हम मोमबत्ती लेंगे और इस पे ऐसे डाल के इसे चिपकाएंगे टाइट हाथों से। देखिए दोस्तों फिलहाल ये अच्छे नहीं चिपक रही, तो हम लाइटर लेंगे और पहले हम अपनी बॉल को गर्म कर देंगे इस तरह। Thank you.
इसे अच्छी तरह इसमें चिपका लेंगे तो फिर हम इसे लाइटर से गर्म करेंगे ताकि ये पिघल के इस पर अच्छे चिपक जाए। आपको दिखाई थी, अब मैं आपको वो वाली सेट करूं जो वाटरप्रूफ नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस पे ऐसे चिपक रहा है पानी, जैसे हम हल्का रगड़ते हैं जैसे बॉल घास पे घिसटती है उसमें पानी चिपक रहा है। हम दूसरी साइड देखेंगे, इस पे डालेंगे, इस पे नहीं चिपक रहा। स्मूथ है, इस पे पानी है, पानी सोख चुकी है। तो फिर दोस्तों शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप आपके लिए काम आएगी और आप भी अपने बॉल को, अपने लेदर बॉल को वाटरप्रूफ कर पाएंगे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।